बिहार के लगभग कई जिलों में एम्बुलेंस चालकों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है, जिसमें समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंधिया में भी 13/7/2023 से एम्बुलेंस चालकों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया गया है। और वो भी अनिश्चितकालीन इस हड़ताल की वजह से 102 एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इसकी वजह से इमरजेंसी मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंस तथा भाड़ा के वाहनों का सहायता लेना पड़ रहा है। 102 एम्बुलेंस फ्री सेवा देती है, लेकिन इस हड़ताल की वजह से मरीजों को भाड़े की गाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे मरीजों को काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। किस उद्देश्य को लेकर एम्बुलेंस चालकों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है, यह इस वीडियो के माध्यम से एम्बुलेंस चालक कहते नजर आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज सिंह, ड्राइवर 102 एम्बुलेंस सिंधिया समस्तीपुर। अच्छा, यह एम्बुलेंस जो हड़ताल पे है, कब से हड़ताल पे है? ये हो गया 13 तारीख से हम लोग हड़ताल पर हैं। 13 तारीख से हड़ताल पे। आज कितना तारीख है? आज तो हो गया 19 तारीख। 19 पूरा तारीख बताइएगा, डेट दिन महीना। 19/7/2023। अच्छा, इस हड़ताल का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है, जो 2017 से हम लोग इसमें ड्यूटी कर रहे हैं, आज तक हम लोग का शोषण ही शोषण हुआ है। सरकार का जो सिस्टम है इसको चलाने का, वो बहुत गलत है। सरकार अपने ढंग से अगर चलाती थी तो 80,000-90,000 में पूरा महीना गाड़ी चलता था राज्य स्वास्थ्य समिति में। और अभी 1.5 लाख, 1,30,000-40,000 दे के सरकार कंपनी को दे के जैसे तैसे किए हुए। समय पर हम लोग को वेतन नहीं मिलता है, ना समय पर तेल मिलता है, हम लोग क्या करेंगे? बाल बच्चा भूखे मर रहा है। इसी सब की वजह से आप लोगों ने हड़ताल किया है? तीन चार हड़ताल पूरे बिहार में है कि सिर्फ सिंगिया में है? बिहार में लगभग 20 से ऊपर जिला में है। 20 से ऊपर जिला में यह हड़ताल एम्बुलेंस चालकों के द्वारा चल रहा है। हाँ, और 2-4 दिन में लगता है 3800 जिला एक मंच पर हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, एक बात और हम पूछना चाहेंगे, इस हड़ताल की वजह से कई पेशेंट को दिक्कतें होती है जाने आने में, इमरजेंसी पेशेंट को भी दिक्कत हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम लोग क्या करें, हम लोग तो खुद इमरजेंसी में पड़े हुए हैं, हम लोग का परिवार भूखे मर रहा है, क्या दूसरे को हम लोग देखेंगे? अभी आप लोगों का जो एम्बुलेंस हड़ताल पर आप लोग किए हुए हैं, क्या सिविल सर्जन समस्तीपुर के द्वारा एक बार कोई आश्वासन या देखने आया इस संबंध में? सिविल सर्जन से 17 तारीख को बात हुई है, सिविल सर्जन आश्वासन दिए हैं, नहीं आप लोग का मांग जो है जायज़ है, आप लोग अड़े रहिए और अड़े रहिए, मांग आपका पूरा होगा। और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग टस से मस होने वाले इस बार नहीं है, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघिया के एम्बुलेंस चालक हैं, और इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है यह तो हम आपको बता ही दिखा ही रहे हैं। और दूसरी बात, इस एम्बुलेंस के हड़ताल से क्या दिक्कत हो रही है पेशेंटों को, यह आप भी समझ सकते हैं। क्या राज्य स्वास्थ्य समिति जो है, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग जो है, क्या इस पर नज़र नहीं बनाई हुई है? क्या इस स्वास्थ्य व्यवस्था, इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर हो गई है? आज एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर हैं, इस वजह से क्या कितनी कठिनाइयां सामने आ रही है यह तो कहना ही मुश्किल है। आप देख भी सकते हैं किस तरह से पेशेंट का हालत है यहाँ पे प्राथमिक सॉरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और बिहार के लगभग 200 जिला में, हम आपको बता दें बिहार के 200 जिला में एम्बुलेंस चालक हड़ताल पे हैं। तो इससे स्वास्थ्य विभाग के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या पीड़ित पेशेंटों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यह तो आप जान ही सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। कोनो दिक्कत नहीं, नाम बताइए। हाँ, बुड्ढी देवी। अच्छा, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेशेंट को लेकर के आए हैं? कौन सा पेशेंट लाए हैं? डिलीवरी पेशेंट। किस चीज़ से आप लेकर के आए हैं पेशेंट को? टेम्पो के। अपना ऑटो भाड़ा करके लाए हैं? और अभी जो पेशेंट को ले जाइएगा, किससे ले जाइएगा? टेम्पो भाड़ा के। एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिला? एम्बुलेंस, क्या आपको जानकारी है एम्बुलेंस हड़ताल हो चुका है? हड़ताल से एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल रहा है ना? क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार पासवान। यहाँ पे कौन सा पेशेंट आप लेकर के आए? परसोती वाला। परसोती वाला, किस चीज़ से लेकर के आए? टेम्पो से। टेम्पो से। एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिला आपको? 102 पर कॉल किए थे? नहीं नहीं किए थे। बोला हड़ताल है। हड़ताल है। हाँ। अच्छा, किराया कितना लग गया पेशेंट को लाने में? 400 रुपया। 400 रुपया। अभी फिर पेशेंट को कैसे लेके जाइएगा? रिक्शा से। उसमें भी किराया लगेगा? 200 रुपया। मिला जुला के 600 रुपया आपका आना जाना में लग गया। घर कहाँ हुआ आपका? हरपुर। हरपुर मतलब यहाँ से 7 किलोमीटर। अब देखा जा सकता है दोस्तों, एम्बुलेंस के हड़ताल होने की वजह से क्या स्थिति बन गई है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघिया में। यहाँ पर जो प्रसूता पेशेंट आती है
उनकी क्या स्थिति है यहाँ पे? लगभग 6-7 किलोमीटर में ही पेशेंट के आने जाने से लगभग 600-800 रुपया के आसपास लग जाता है, और इतने रुपया व्यय करके मजबूरन यह व्यक्ति पेशेंट को लाते हैं और यहाँ पे प्रसूता कराते हैं। हम आपको बता दें कि एम्बुलेंस चालक के हड़ताल और आशा के हड़ताल से यह स्थिति बनी है। फिलहाल तो यह पूरे बिहार में यह हड़ताल चल रहा है। अब देखना यह है जो बिहार के स्वास्थ्य विभाग इस पर कहां तक ध्यान देती है और कब तक इस हड़ताल को तुड़वाती है और इन लोगों की मांग को सुनते हैं। तब तक के लिए